हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लोनावाला। अभी समय हुआ है सुबह के 6 बजे और हम पी रहे हैं चाय। सुबह 3:30 बजे स्टार्ट किया था, पीछे पापा भी चाय पी रहे हैं। और आज का प्लान है भीमा शंकर जाने का। और आज अच्छी बात यह है कि मिल्की एंड सोनिया भी साथ में जा रहे हैं, तो मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बाय। गणपति बप्पा मोरिया, गली 5 जय बोलना बेटी। हाँ। 5 गणपति मोरिया जय बाबा की जय, महादेव बाबा की जय, कृष्ण भगवान की जय, दुर्गे दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय, बजरंग बली की जय, हनुमान बाबा की जय, कृष्ण भगवान की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भीमा शंकर का मंदिर मुंबई से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पहुँचने के लिए अगर आप अपने घर से जल्दी स्टार्ट करें तो वो बेहतर होगा। जैसा कि हमने सुबह 3:30 बजे स्टार्ट कर दिया था और हमने देखा एक बहुत ही प्यारा सा सूर्योदय, सनराइज़। ये था कामशेत के पास जब हमने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे क्रॉस कर दिया था, तो ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक था। इस रोड ट्रिप का जो बेस्ट पार्ट था वह था यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे। एक्सप्रेस हाईवे छोड़ने के बाद जिस तरह का हमें आसपास के नज़ारे, बड़े बड़े पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सब देखने को मिले, इनको देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। और इसी तरह का एक नज़ारा अभी हमारी आंखों के सामने आने वाला है जिसे आप भी इंजॉय कीजिए। हाय गाइस, हम लोग हैं अभी चाकण करके जगह है और ये पीछे देखिए यहाँ एक डैम है, चाकण डैम। और लो देखिए पानी का जबरदस्त मस्त वाला व्यू और आवाज़ आ रही होगी आपको पानी की। ये अपनी गड्डी खड़ी है और ये हमका पार्टी जा रहे हैं लातूर। सी यू, तक के लिए बाय। ये है भीमा नदी जो चाकण डैम के पास से निकल रही है और फ्लो देखिए पानी का, बहुत ही साफ पानी था। हाँ मिल्की, बताओ अपना एक्सपीरियंस यहाँ कैसा लग रहा है। सोनिया तुम बताओ। सोनिया बहुत अच्छा। कुछ ब्लॉगिंग व्लॉगिंग करो। चाकण चाकण भीमा शंकर, भीमा शंकर, भीमा शंकर जा रहे हैं। एक छोटा सा हिल है, इसकी टॉप देखो जरा। अभी हमने एक हिल को क्लाइम भी किया है। लवली लवली। और इस रोड का अपना ही मजा है। और ये वाली जो हिल है इन द बैकग्राउंड, इसको भी हम क्लाइम करके आए। लवली एमसी हमारी गाड़ी, ये हम और ये हमारी पार्टी हो रही है। और हम जा रहे हैं गन्ना। और ये सामने देखिए जबरदस्त वाली पहाड़ी। और ये चार पिताजी बता रहे हैं
पापा ये तो मेरे को मक्का लग रही है, बाजरा है, बाजरा बाजरा की खेती हो रही है। देखिए बाजरा की खेती है, और इधर नजारे डाउन स्टेयर्स वाले। ये तुम्हें स्वर्ग से गिरा देंगे और गीत से भी, और तुम स्वयं भी अपने तिरस्कार का कारण बनकर रह जाओ। इसलिए हृदय की इस दुर्बलता को जानो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाओ, खड़ा कैसे हो जाओ, पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाओ। महापुरुषों के रक्त से सनी भी नहीं होगी। हे ऋषिकेश, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा कि इस युद्ध में विजय श्रेष्ठ है या पराजय। धृतराष्ट्र पुत्र शत्रुओं की भांति मेरे सामने खड़े हैं। जंगल एरिया है पापा, भीमा शंकर की पार क्षेत्र की पार्किंग में, और अभी सवारी हमारी गाड़ी से उतर रही है और यहाँ से कुछ 500 मीटर का बता रहे हैं, उसके बाद 250 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ, तो मिलते हैं आगे। बाय। इस तरह का पानी का रहता है, खाने पीने का स्टॉल्स। श्री क्षेत्र जय भीमा शंकर। जब आप पार्किंग से आएंगे तो करीबन 100 मीटर चल के आपको ये आ जाएगा रास्ता। ये है मैं, एक बच्चे ने टीका भी लगा दिया। सोनिया सिंह आ जा, जा। ये सोनिया सिंह भी बन गई है सिर्फ वक्त, और साथ में है, साथ में है प्रसाद भी लिया है इन्होंने। दिखाइयो क्या क्या लेके आई हो, क्या क्या लेके आई हो साथ में। सब कुछ लाई हूँ, माता की चुनरी, शिव जी का भांग भतूरा और उनके फेवरेट लड्डू। ओके चलिए, तो अभी हमें 250 सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है। इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ हैं, तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और 18वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों द्वारा इस मंदिर का आसपास का जो एरिया है उसको डेवलप किया गया। बम 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 भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। ये जो मंदिर है यह शायद सह्याद्री पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है और उस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बाकी जगह से काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप गर्मी में भी घूमने आते हैं यहाँ पर तो ऊपर आपको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा नहीं, एटलीस्ट जो सुबह शाम है वो काफ़ी ठंडे मिलेंगे आपको। अब आप लोग दर्शन कीजिए श्री भीमा शंकर जी के। वैसे तो मोबाइल अलाउड था नहीं यहाँ पर, बस चोरी छुपे थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। बोले जय भोलेनाथ, बम बम बोले। ओम नमः शिवाय। मंदिर के जस्ट सामने शनिदेव जी का मंदिर है छोटा सा, काफी बढ़िया।
ये है नंदी जी, बता दे ना कि नंदी जी का हमेशा सामने होता है वो। ये देखिए प्राचीर है भीमा शंकर मंदिर की, और इसके जस्ट सामने है ये गोरक्षक नाथ मंदिर, गणेश जाति महाराज भीमा शंकर। और ये देखिए पूरा चारों तरफ ग्रीनरी, लोकेशन बहुत बढ़िया लगी मुझे इस मंदिर की। मिलते हैं आगे, बाय। जी हमारा अगला टारगेट है ये तो है अग्रिमा सिंह, और इसके पीछे है श्री राम मंदिर। ये पिताश्री हमारे ये सोनिया जी, और ये हैं भीमा शंकर मंदिर की प्राचीर। ये देखिए श्री राम रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माई, और बड़े बॉय हनुमान बाबा, हनुमान बाबा की जय हो। बैठे मेरे सीने में मुझको वैभव न यश चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, श्री गणेश जी की जय हो। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी मोरिया मोरिया। देखिए जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी लोग जंगली जड़ी बूटियाँ बेचते हुए मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये जंगली जड़ी बूटियाँ ये भीमा शंकर अभ्यारण्य की ही हैं, और आयुर्वेदिक पर आधारित है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से इनको ख़रीद सकते हैं। देखिए ये सारी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। जंगली अदरक, धन्यवाद। तो जी दर्शन हो गए हमारे, और अच्छे दर्शन हुए, ज़्यादा भीड़ है नहीं आज, तो हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं और मिलते हैं बाद में पार्किंग पहुँच के। हमने मंगाया नाश्ता जो है पूड़ी भाजी, मेरी भी पूड़ी भाजी, सोनिया का है मिसल पाव। मिल्की बेटा आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू हैविंग, कोल्ड ड्रिंक पी लो तब तक। ये आइए थम से, अच्छा है होटल रुद्र शुद्ध शाकाहारी, अच्छा रेस्टोरेंट है, काका लगे हुए मेहनत करने में, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, स्वाद भी बढ़िया। तो जी नाश्ता हो गया हमारा, नाश्ता किया हमने, ये होटल रुद्र शुद्ध शाकाहारी, अच्छा था नाश्ता वगैरह इस तरह का। हमने खाया 3 प्लेट पूड़ी भाजी, 1 मिसल पाव, 1 पानी का बॉटल, 1 थम्सअप, 2 चाय, बिल हुआ 300 रुपये, विच वॉज ओके। और सबसे बढ़िया चीज़ खाने का टेस्ट अच्छा था। तो जी हम दर्शन करके निकल चुके हैं, पिताजी, मिल्की, सोनिया और मैं। पापा कैसे रहे दर्शन, बहुत तो अच्छे, ओके। मिल्की सिंह आपके आज के स्पेशल डे में, आज के डे में स्पेशल क्या है, किसका बर्थडे है, बर्थडे किसका है आज, कौन से भगवान जी का बर्थडे है। सोनिया सिंह आपके कैसे रहे दर्शन, क्या स्पेशल लगा यहाँ पे दर्शन क्या कहते हैं ये हमारे सोनिया का, ये त्र्यंबकेश्वर, उज्जैन और तीसरे ज्योतिर्लिंग है ना, हमें 12 कवर करने हैं। रेडी आपके कितने कवर हुए अभी तक ज्योतिर्लिंग आपके, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन वाले, महाकालेश्वर 4-5। अब अगला टारगेट रहेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ, चलो देखते हैं, करेंगे सारे करेंगे धीरे धीरे 12 के 12। टूर पे निकलेंगे तब करेंगे,
सोमनाथ। और ये देखिए, ये है भीमाशंकर अभ्यारण के प्यारे प्यारे बंदर। वाह वाह वाह, बाय। सो गाइस, हमने लिया है एक ब्रेक और हमारे पीछे आया एक अमेजिंग व्यू। बेटे क्या कहोगे इस व्यू के बारे में? ओके, समय हुआ है शाम के 7:15 बजे और हम लोग घर आ गए हैं। वापसी का सफर थोड़ा सा हेक्टिक था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन अच्छे हो गए और काफी पहली बार गया था, पूरा परिवार साथ में गया, इट वॉज नाइस। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। तो मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।